जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और ये आज फिफ्थ लेक्चर है ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट का। इससे पहले फोर लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हम ग्रुप्स के बेसिक्स, ग्रुप्स क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, उनकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत चीजें करी हैं। साथ ही मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ जहां पे उन शॉर्ट्स में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, ये आप लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। अब जो है ये फोर्थ लेक्चर है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सब ग्रुप विद एग्जाम्पल। हम देखेंगे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है, कुछ कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसकी ऐसी चीजें हैं जो सब ग्रुप्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और हम करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, इनके भी एग्जाम्पल देखेंगे वन स्टेप और टू स्टेप के, कि कैसे वन स्टेप या टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की हेल्प से आप प्रूव करते हो कि यस दिस इज अ सब ग्रुप। इसके बाद हम लैग्रेंज थ्योरम, जो कि सब ग्रुप का नाम आते ही आपको लैग्रेंज थ्योरम पता होनी चाहिए। जैसे ही सब ग्रुप का नाम आएगा, आप एमसीक्यू भी देखोगे आगे आगे, जैसे ही सब ग्रुप का नाम आएगा हम लैग्रेंज थ्योरम को जरूर याद करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। हम प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स देखेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे क्या होता है, और बहुत सारे एमसीक्यूज शॉर्ट ट्रिक्स देखते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है। सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप से। सो क्या होता है सब ग्रुप? ग्रुप आपको पता है अब, है ना। देखो सब ग्रुप की डेफिनेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है जी बी, मैंने क्या लिखा, जी स्टार बी अ ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करनी है तो सब क्या होता है, जैसे कोई सेट है उसका सबसेट, इसका मतलब उसका छोटा सेट, है ना। जैसे सेट होता है ना, एक होता है सबसेट, एक होता है सुपरसेट, है ना। सबसेट कौन है, उसका बेटा है, और सुपरसेट कौन है, उसके पापा है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप ग्रुप का सब ग्रुप देख रहे हो, है ना। ग्रुप है उसका छोटा, उसे छोटा, है ना, बट उसके नाम के आगे क्या लग गया, ग्रुप लग गया, सब ग्रुप। तो मतलब किसी का बेटा, अब उसके लिए कोई तो क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। हमने क्या ले लिया, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, ठीक है। लेट एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, आगे आगे हम टफ पे जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, जितनी माइंड में उतना इजी रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो एच एक सबसेट ले लिया, ये सबसेट का सिंबल होता है ना ऐसे वाला, ठीक है। एंड एच क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। देन सबसेट होना चाहिए उसी जी का है, क्योंकि जी भी एक सेट होता है। देन एच इज सेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज सेट टू बी सब ग्रुप, कब बोलेंगे उसको, सब ग्रुप ऑफ जी, इफ सब ग्रुप ऑफ जी उसको कब बोलेंगे, अगर क्या वो बताओ एच इटसेल्फ मेक्स अ ग्रुप, मेक्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन, ठीक है। जो ग्रुप का ऑपरेशन है उसी के रिस्पेक्ट में एच भी क्या बना दे, एक सब ग्रुप, एक ग्रुप बना दे, तो उसको बोलेंगे वो जी का सब ग्रुप है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड एज दिस, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आगे आगे मैं ये डिनोशन बहुत यूज करूंगी कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपने समझ जाना है कि मैं जब ऐसा यूज कर रही हूं तो ये सब ग्रुप है, ठीक है। समझ आ गया, जी एक ग्रुप है, उसी का सबसेट लेना है, उसी के रिस्पेक्ट में वो क्या बनाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में वो क्या बनाएगा, ग्रुप अगर बना दे। जैसे कि आपको याद है एक Q8 ग्रुप होता है, इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। Q8 एक ग्रुप होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के,
ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है ना। ठीक है, अब मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, इसी का सबसेट मतलब इसका छोटा बेटा है ना, इसका बेटा ले लिया। अगर हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। अब अगर ये भी ग्रुप बनाता है तो क्या होगा, ये एक सब ग्रुप हो जाएगा किसका, क्यू एट का। ठीक है, अब ये देखो क्यू एट क्या होता है, क्यू एट एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, बट ये जो H है ये अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब किसी नॉन अबेलियन ग्रुप का जो सबसे सबसेट है वो एक अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है। अबेलियन का तो अबेलियन होगा ही, पर नॉन अबेलियन का भी अबेलियन सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसी चीजें दिमाग में रखा करो हमेशा, है ना। तो क्योंकि इन्हीं चीजों से आप आगे लिंक करते हो चीजें में, तो अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है तो इट कैन हैव एन अबेलियन सब ग्रुप। समझ गए, ये होती है, इसको डिनोट करते हैं। अब दूसरी बात समझो, एक होते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स, एक होते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और नाम से ही समझ आ रहा है कि जो प्रॉपरली कंटेंट हो वो प्रॉपर, जो प्रॉपरली कंटेंट ना हो वो इम्प्रॉपर। जैसे कि हर सेट अपना सब ग्रुप होता है, एवरी सेट एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, है ना। हर सेट अपना सबसेट होता है ना, सेट्स पता है हमें सेट्स क्या होते हैं, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो हर ग्रुप भी अपना सब ग्रुप होता है और वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। ठीक है, और अगर यहाँ मैंने प्रॉपर के नीचे लिख दिया, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा सेट जैसे H है, ये प्रॉपरली कंटेन्ड है, इक्वल तो नहीं है ना, प्रॉपरली कंटेन्ड है, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8। अब यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, सिर्फ ऐसे, बिकॉज दिस इज प्रॉपर सब ग्रुप। तो जहां पे आपको सिंबल्स मिले आप समझ जाओ ये प्रॉपर सब ग्रुप है, और ये अगर ऐसा है दैट मीन्स ये सब ग्रुप है, इट कैन बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर एज वेल। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, एक ट्रिवियल सब ग्रुप होता है, किसी भी सेट की जो आइडेंटिटी है वो एक ग्रुप बनाती है ना, और वो क्या होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। ओके, चलो ये आपको समझ आ गया कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और जैसे कि ये है, ये इसका सब ग्रुप है, किसी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, सब ग्रुप ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप कैन बी अबेलियन, नॉन अबेलियन भी हो सकता है, अबेलियन भी हो सकता है। ठीक है, सो आ जाओ आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्रूव दैट 0, 2, 4, 6 इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड एट। ठीक है, आपको एक ग्रुप दे रखा है जी, जी क्या है, जेड एट है, जेड एट क्या होता है बताओ, ये होता है ये वाला ग्रुप 0, 1, 2 up to 7। जेड एट का ऑपरेशन क्या होता है, प्लस एट होता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो H है, let H is equal to this 0, 2, 4, 6 with respect to addition modulo 8, क्योंकि same operation के respect में हमें prove करना होता है ना, addition modulo 8 के respect में क्या है, इस G का subgroup है। क्या एक तो हमें ये पता होना चाहिए subgroup के लिए कि H non-empty है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि H is non-empty, और हमें क्या पता होना चाहिए, H subset होना चाहिए G का, yes H G का subset भी है। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है ये ग्रुप है, ग्रुप कैसे प्रूफ करते हो बताओ, उसकी चार प्रॉपर्टी दिखा दो, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, यही चार प्रॉपर्टी दिखाते हो ना। अब ये चार प्रॉपर्टी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप स्लोली आप ये दिखाओगे कि कोई इसके दो एलिमेंट चूज करे, एडिशन मॉड्यूलो 8 ऑपरेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर a एडिशन मॉड्यूलो n b है उसका आंसर होता है r, वो r कहाँ से आता है, जब आप a प्लस b को n से डिवाइड करते हो तो r रिमाइंडर आता है ना, जो वो आंसर आप लेते हो। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं, आप एनी टू एलिमेंट्स ले लो, इसके कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करोगे, 4 और 5 लिया, 4 प्लस 5 क्या आएगा बताओ, 4 प्लस 5 क्या आएगा, 1 आएगा, 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 होता है,
9 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इस टाइप से हम करते हैं। बेस्ट मेथड क्या होता है, कैले टेबल बना लो। ठीक है, कैले टेबल ये मैंने आपको सिखाई भी हुई है, इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो कैले टेबल कैसे बनती है, एडिशन मॉड्यूलो 8 के रिस्पेक्ट पे बनानी है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, इससे आप इजीली चेक कर सकते हो कि कोई भी जो ग्रुप है वो ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा, या अबेलियन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, देखो बार बार ये बताती हूँ मैं। अब जीरो एडिशन मॉड्यूलो 8 है, इसका ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 नहीं है। 0 + 0 = 0, 0 + 2 = 2, 4, 6, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का। ठीक है, तो 0 को वैसे भी 0 में ऐड करोगे, 0 को 2 में ऐड करोगे 2 मिलेगा, 8 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। अब 2 को 2 से ऐड करो 4, 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 ही आएगा। 2 और 4 6, 2 और 6 8 है तो 0 आ जाएगा। 4 और 2 6, 4 और 4 8 है तो 8 को इससे 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 4 और 6 10, 10 को 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 6 एंड 2 ये 0 आएगा, 6 एंड 4 10 है ये 2 आएगा, 6 और 6 12 है, 12 क्या देगा 4 देगा, क्योंकि 12 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4। अब बताओ क्या बाहर का कोई एलिमेंट आ रहा है, 0 2 4 6 के अलावा कोई नहीं आ रहा, क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, जब बाहर का आ ही नहीं रहा तो ऐसे ही दूसरे को तीसरे से करोगे तब भी क्या होगी, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी। 0 को इन चारों को किससे ऑपरेट किया कि यही चारों मिल गए, 0 से तो 0 आइडेंटिटी है, इसके पास आइडेंटिटी है। अब देखो हर रो में आपको 0 दिख रहा है, हर रो में आइडेंटिटी दिख रही है, इसका मतलब 6 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 6 का इनवर्स कौन है, 2 है, 2 का इनवर्स कौन है, 6 है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये एक सब ग्रुप है सेट 8 का, यस। Why? Because it is satisfying all these four properties. अब देखो, अब ना इसका डायगनल देखो, ये वाला डायगनल दिख रहा है, ठीक है, डायगनल के दोनों साइड पे सिमेट्री दिख रही है, मिरर इमेज दिख रही है, देखो सिमेट्री 6 6 6 6 0 0 2 2 4 4 2 2, इसका मतलब अगर ऐसा दिख रहा हो, डायगनल के दोनों साइड पे सिमेट्री दिख रही हो, दैट मींस ये ग्रुप जो है ये क्या है, ये जो सब ग्रुप है ये अबेलियन सब ग्रुप है ना, दिस इज अबेलियन। ठीक है, और वैसे भी अबेलियन क्या होता है, कम्यूटेटिविटी, मतलब कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, है ना। और वैसे भी जो z8 होता है ना, zn जो होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस n, ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं, इस ग्रुप के ऊपर 5 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, पर अब जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो जब भी कोई ग्रुप उठाएंगे ना, उसका ऑर्डर, उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर, उसके सारे सब ग्रुप बनाएंगे, उसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर, हर चीज देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अब समझ आ गया है कि कैसे हमें सब ग्रुप प्रूव करना होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, और कुछ कुछ चीजें पता चल रही है आपको, अबेलियन सब ग्रुप, नॉन अबेलियन सब ग्रुप, है ना, ये चीजें पता चल रही है। अब हमें ये देखना है कि बार बार हम ये चार प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अलग अलग तरह के ग्रुप भी आएंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे। उस केस में हम पढ़ते हैं 1 step सब ग्रुप टेस्ट, 2 step सब ग्रुप टेस्ट, वो भी हम करेंगे। उससे पहले ना सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लो कि कैसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको चीजें लिंक करने में और हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, और सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को जानते हो जो ग्रुप थ्योरी का स्टूडेंट है, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा है, या किसी और एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां उसका ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट है, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो, एंड स्टे मोटिवेटेड, और मुझे भी मोटिवेट करो वीडियो को शेयर करके। ठीक है, आ जाओ प्रॉपर्टीज नोट करो। सो अब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखो कैसे कैसे ये प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं, और आपको अच्छे से समझ आएगा कॉन्सेप्ट, आपकी वो हेल्प भी करेगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगी ये आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं ना एमसीक्यूज, तो ये बहुत हेल्प करता है। और मैंने ग्रुप थ्योरी के एक नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए, साइड में हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन किए हैं, लिखे हैं सारे। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल पे आप ग्रुप थ्योरी नोट्स करके वो वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आपको। ठीक है,
अगर वो चाहिए हो तो प्लीज, उसमें मैंने एक मोबाइल नंबर दिया है, वहां से आपको मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है? अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, क्या है देखो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वो कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बोथ ग्रुप एंड सब ग्रुप इज सेम, ठीक है? एक बात बताओ, ग्रुप है, ग्रुप में एक आइडेंटिटी है, बाकी और कोई भी एलिमेंट है, जैसे QAT ले रहे थे ना हम, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस, बाकी और सारे एलिमेंट है, आइडेंटिटी एक ही होती है। ये तो हमें पता है ना कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, ठीक है? अब एच उसका एक सबसेट उठाना है। अब हम जो भी सबसेट उठाते हैं ना, सबसेट मतलब इसी का ही होना चाहिए। क्या हम बाहर से कोई एलिमेंट ले सकते हैं? नहीं। अब इसको सब ग्रुप बनना है, इस सबको, इसको सब ग्रुप बनने के लिए इसको भी तो आइडेंटिटी चाहिए, और वो आइडेंटिटी कहाँ से उठाता है? यहीं से उठाता है। तो कोई भी सबसेट ऐसा बनाओगे हमेशा जो आइडेंटिटी को तो लेगा ही लेगा। आगे अब ना हम बहुत सारे ग्रुप पढ़ेंगे, उनकी हम सब ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? जब बनाएंगे तो देखना कैसे हम ग्रुप की आइडेंटिटी वही की वही उठाते हैं, वही वाले सबसेट बनते हैं सारे, क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप की और सब ग्रुप की सेम होती है। सिंपल ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सारे सब ग्रुप बनाएंगे और देखेंगे कि सब में काउंटिंग करेंगे एलिमेंट्स की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? कॉमन होता है सारे सब ग्रुप्स में, या फिर ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं, या जो आइडेंटिटी तो एक ही है, वो ग्रुप की भी है और वो सारे सब ग्रुप की वही आइडेंटिटी है, ठीक है? तो सारे सब ग्रुप्स जितने भी बनते हैं ना, सब में एक वो एलिमेंट तो कॉमन रहता ही रहता है, ठीक है? दूसरी बात वो कह रहा है कि जो इनवर्स एलिमेंट होता है ना, इसमें सपोज करो एक एलिमेंट है आपका, एक वन है, एक माइनस वन है, एक आयोटा है। तो वो कह रहा है कि ग्रुप में आयोटा का इनवर्स ढूंढो, आयोटा का इनवर्स जो भी होगा, ठीक है, वही सब ग्रुप में भी अगर आयोटा है तो सब ग्रुप में भी आयोटा का इनवर्स वही होगा, और वो एलिमेंट हमें यहाँ भी चाहिए होगा, ठीक है? अब बताओ जो Q8 ग्रुप होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस के, तो इसमें आयोटा का इनवर्स क्या होता है? आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करो कि वन मिले? आयोटा का इनवर्स होता है माइनस आयोटा, ठीक है? तो अगर आप इसका एक सब ग्रुप बनाओगे, आइडेंटिटी तो लोगे वन, आयोटा लोगे तो माइनस आयोटा भी उठाना पड़ेगा सब ग्रुप बनाने के लिए। जो आयोटा है उसका इनवर्स भी तो चाहिए, आइडेंटिटी अगर वही की वही है तो वही इनवर्स मिलता है, समझ गए बात को? तो जब हम सब ग्रुप बनाएंगे आगे आगे, तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रुप में अगर हमारे पास आयोटा है या कोई भी एलिमेंट है जो उसका इनवर्स है, अगर वो सेल्फ इन्वर्टिबल है तो हमें और किसी से मतलब ही नहीं, वही खुद ही अपना इनवर्स है, उसका ऑर्डर टू है ना? बार बार सेम चीजें रिपीट कर रही हूँ कि ऑर्डर टू होता है, अगर कोई एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है उसका ऑर्डर टू होता है। क्यों होता है? लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है? सो Q8 अगर ग्रुप है, आयोटा अगर लोगे तो माइनस आयोटा भी लोगे, जो एक एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में है वही एलिमेंट सब ग्रुप में होगा, समझ गए बात को? ठीक है। थर्ड है, अगर एच एक सब ग्रुप है, के भी एक सब ग्रुप है, ग्रुप का, ग्रुप के दो सब ग्रुप भी होते हैं, है ना? तो एच इंटरसेक्शन के भी एक सब ग्रुप होगा। देखें कैसे, देखो Q8 ये वाला ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप बनाती हूँ, ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, और एक बनाते हैं ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, ये दोनों सब ग्रुप हैं इस ग्रुप के, यस। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन होगा बताना? एच इंटरसेक्शन के कौन होगा? प्लस माइनस वन, तो ये भी एक सब ग्रुप होगा ग्रुप का। एच इंटरसेक्शन के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ के, ठीक है? और यूनियन कब होता है? एच यूनियन के जो सब ग्रुप कब होता है? अगर एच क्या है सब ग्रुप हो के का, कि मतलब एच और के अगर इक्वल होंगे तभी होगा, ठीक है? तो एच यूनियन के तभी होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जनरेट्स अ साइक्लिक ग्रुप, हर एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ये आप अभी नोट कर लो। साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे
कैसे कौन सा ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं डिटेल में। वैसे तो देखो जो एक एलिमेंट से जनरेट होता है ना, उसके जनरेटर बहुत सारे भी हो सकते हैं। सारी शॉर्ट टिप बहुत चीजें बताऊंगी, पर अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी नहीं डिस्कस किया है तो मैं बस ये बताती हूँ कि अगर कोई ग्रुप है ना, वन है, वन उठाओ, ठीक है, टू उठाओ, टू थ्री उठाओ, ये सॉरी टू तो इसमें है नहीं, माइनस वन उठा लिया सपोज करो, इसमें टू किसी और में होता है, तो माइनस वन अगर उठा लिया, माइनस वन को एक बार ऑपरेट करो, फिर उसको दोबारा ऑपरेट करो अपने आप से तो क्या मिलता है, ठीक है, तीन बार ऑपरेट करो तो क्या मिलता है, यही बार मिलेगा। तो इससे ये सब ग्रुप जनरेट हो गया, ठीक है। आयोटा उठाओ, आयोटा से सब ग्रुप जनरेट करो, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी साइक्लिक ग्रुप के टाइम पे। आयोटा को एक बार ऑपरेट करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, क्या क्या मिलता है, तो सब ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है। सो ये होता है सब ग्रुप, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट उसका एग्जाम्पल, टू स्टेप उसका एग्जाम्पल, और आगे प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप सब पढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा हो, देखो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आपको डाउट नहीं आए, ठीक है। यही सोच के मैंने नोट्स बनाए हैं कि नोट्स भी आपकी चीजें क्लियर करें सारी। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो इट कैन हेल्प मी एज वेल। और अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।